वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 6। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 10.1। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10.1 की फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करेंगे और 10.1 के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए, सबसे पहले हम पार्ट ए कवर करेंगे। पार्ट ए में वो कह रहा है व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, यानी ये तो फॉलोइंग स्पीशीज गिवन है, इनकी कॉन्जुगेट बेसिस क्या होती है, इनकी कॉन्जुगेट बेसिस हमने फाइंड आउट कर दी है। और कॉन्जुगेट बेसिस किसकी होती है, कॉन्जुगेट बेसिस एसिड्स की होती है, यानी कि ये तो स्पीशीज गिवन है, ये स्पीशीज हैं, ये एसिड्स हैं, इन एसिड्स की हमने कॉन्जुगेट बेसिस फाइंड आउट करनी है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो कॉन्जुगेट बेसिस होती है वो एसिड्स की होती है, और जो कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं वो बेसिस की होती है, और ये कॉन्जुगेट बेसिस है, यानी कि ये सब के सब एसिड्स हैं, इन एसिड्स की हमने कॉन्जुगेट बेसिस फाइंड आउट करनी है। और कॉन्जुगेट बेसिस क्या होती है, कॉन्जुगेट बेसिस की डेफिनेशन भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, यानी जब एसिड किसी बेस को प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो एसिड के बेस को प्रोटॉन डोनेट करने से जो चीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यानी कि ये एसिड्स हैं, ये एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करेंगे बेसिस को, तो जो स्पीशी बनेगी उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यानी इस एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से जो स्पीशी बनेगी उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। और एसिड किसको प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस को, क्योंकि जो ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट होता है वो तभी वर्क करता है जब हमारे पास एसिड और बेस का पेयर होता है। यानी अगर ये एसिड है, ये एसिड तब तक प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा जब तक हम इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ नहीं करवाएंगे। यानी ये हमारे पास HS-1, ये एसिड है, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ। ये एसिड है और ये बेस, जब इस एसिड का रिएक्शन हम इस बेस के साथ करवाएंगे तो ये एसिड इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा। बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड, एसिड का प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। S2- NH4+, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया क्योंकि ये बेस है, और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट बेस वो स्पीशी होती है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, और ये एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया। और जो चीज प्रोटॉन डोनेट करती है उसके ऊपर -1 आता है, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट, प्रोटॉन हम किसे कहते हैं, हाइड्रोजन कैटाइन को। ये जो हाइड्रोजन कैटाइन है ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन डोनेट करने की मीनिंग है कि इसमें से एक हाइड्रोजन एटम भी निकलेगा और एक साथ में पॉजिटिव भी निकलेगा, तो जितने पॉजिटिव निकलते हैं उतने नेगेटिव आते हैं, और इसमें से एक नेगेटिव तो पहले से था इसके ऊपर, इस स्पीशी के ऊपर एक नेगेटिव पहले से था, तो एक प्रोटॉन इसने लूज किया तो एक नेगेटिव और आएगा, तो -1 -1 कितना हो जाएगा, -2, यानी 2- हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की मीनिंग है कि इसमें एक हाइड्रोजन भी ऐड होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कैटाइन, और साथ में एक पॉजिटिव भी इसमें ऐड होगा, तो इसके ऊपर पहले 0 चार्ज था, लेकिन अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पहले 0 था, 0+1 करेंगे तो +1 आ जाएगा। और ये जो है S-2 सल्फाइड, ये सल्फाइड आयन इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस है, ये है कॉन्जुगेट बेस। और ये कॉन्जुगेट एसिड है इसका, लेकिन अभी हम कॉन्जुगेट एसिड की बात नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट वन में हमें वो सिर्फ कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेसिस आपने बता दिए, कॉन्जुगेट बेसिस के बारे में हमने बताना है, कॉन्जुगेट एसिड के बारे में अभी हम नहीं बता रहे। और ये कॉन्जुगेट बेस कब बनी थी, जब इस एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, इसी को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, अ
A conjugate base is a species formed by donating a proton by an acid. ये इसकी डेफिनेशन है कॉन्जुगेट बेस की कि जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो जो चीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। उसके बाद सेकंड स्पीशी है हाइड्रोनियम आयन H3O+। ये एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वह बेस, ये बेस को प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ। और जब ये बेस को प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करती है जितने प्रोटॉन डोनेट करती है उतने नेगेटिव आते हैं उसके ऊपर, और जो स्पीशी जितने प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है उतने उसके ऊपर पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होते हैं इसलिए उसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाता है। और जो प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करने की मीनिंग है कि वो हाइड्रोजन भी लूज कर रहा है और साथ में एक पॉजिटिव भी लूज कर रहा है। तो इसमें टोटल 3 प्रोटॉन थे तो इसने एक प्रोटॉन लूज कर देना, एक प्रोटॉन लूज करेगा तो ये H2O में चेंज हो जाएगा H2O। और जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करती है उसके ऊपर नेगेटिव आते हैं, इसके ऊपर पहले से एक पॉजिटिव था, पहले से इसके ऊपर एक पॉजिटिव था और इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर एक -1 भी आ गया। पहले से +1 था और प्रोटॉन डोनेट करने से -1 आएगा, सो +1 -1 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल इस स्पीशी के ऊपर 0 चार्ज होगा। और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगा NH4+। ये एसिड है, ये बेस और ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि ये कैसे बनी थी, जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया था बेस को, यानी NH यानी H3O पॉजिटिव की कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, H2O, H2O कॉन्जुगेट बेस है H3O पॉजिटिव की। उसके बाद थर्ड सब्सटेंस है H2PO4-1, H2PO4-1। ये एसिड है, इस एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनेगी, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ NH3। अब ये एसिड है, इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस हमने फाइंड आउट करनी है। और इसकी कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगी, जब ये एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा इस बेस को और जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करती है उसके ऊपर जो है वो माइनस आता है -1, इसके ऊपर एक -1 पहले से है और एक प्रोटॉन इसने डोनेट कर दिया तो एक -1 और आ जाएगा इसके ऊपर। इसके बाद टोटल 2 प्रोटॉन थे तो 2 में से एक प्रोटॉन ये डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करने से -1 आता है, एक -1 पहले से था इसके ऊपर, एक -1 और आएगा तो ये टोटल -2 हो जाएगी। और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो ये NH4+ में चेंज हो जाएगी। जो चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है इसलिए उस स्पीशी के ऊपर भी पॉजिटिव आता है। अब ये H3PO4-2 ये कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड की, ये एसिड है, ये बेस और ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4-1। उसके बाद इससे अगर तो सब्सटेंस या स्पीशी गिवन है वो है HSO4-1, H SO4-1। ये एसिड है, इसकी कॉन्जुगेट बेस हमने फाइंड आउट करनी है। इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगी, जब ये एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा इस बेस को,
और जो चीज प्रोटॉन डोनेट करती है उसके ऊपर माइनस वन आता है, एक माइनस वन पहले से था इसके ऊपर, एक माइनस वन प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से आएगा, तो माइनस वन कितने हो जाएंगे, माइनस टू प्लस एन एस फोर प्लस, ये हमारे पास एसिड है और ये इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। टोटल फोर स्पीशीज की हमने कॉन्जुगेट बेसिस फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद फिफ्थ जो स्पीशीज है वो है एचएफ, ये एसिड है, इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, ये एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करेगा बेस को तो फिर ये कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाएगा। इसके पास एक ही प्रोटॉन है और ये स्पीशीज ऑफ प्रोटॉन डोनेट करेगी तो ये एफ नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, एफ नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करने से स्पीशी के ऊपर नेगेटिव आता है और जो चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर पॉजिटिव, एन एफ फोर प्लस, यानी कि ये हमारे पास एसिड है और एफ नेगेटिव इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद हमारे पास टोटल फाइव स्पीशीज की हमने कॉन्जुगेट बेसिस कैलकुलेट कर ली है। नंबर सिक्स पे हमारे पास सी एस थ्री सी ओ एच, सी एच थ्री सी ओ ओ एच, इस स्पीशी की भी हमने कॉन्जुगेट बेस फाइंड आउट कर लिया है। और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगी, जब ये एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा टू अ बेस, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसने जब प्रोटॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर एक माइनस वन आया, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर माइनस वन आएगा, ये एसिड और इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस ये है एसीटेट आई। कॉन्जुगेट बेस उसके बाद ये हमारे पास लास्ट स्पीशी है ए एन ये हमारे पास एक एसिड है, इस एसिड की हमने कॉन्जुगेट बेस फाइंड आउट करनी है। इस एसिड को हम जो भी करके लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ये इक्वल होता है इज इक्वल टू ए एन एच टू ओ फाइव एच टू ओ और प्लस थ्री, इस स्पीशी को हम यू भी लिख सकते हैं, यहां पे सिक्स वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म में थे, एच टू ओ सिक्स था तो फाइव वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने कंबाइन करके लिख दिया और एक वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने सेपरेट करके लिख दिया, यानी इसको हम यू भी लिख सकते हैं, ये फाइव मॉलिक्यूल ये और वन ये है, तो ये टोटल कितने हैं, टोटल सिक्स वाटर के मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को मैंने सेपरेट करके लिख दिया ताकि इसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो। अब ये हमारे पास एसिड है, इसकी कॉन्जुगेट बेस हमने फाइंड आउट करनी है और इसकी कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगी, जब भी एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा किसी बेस को, अब यहां भी एच टू हो, ये टू प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन यहां से ये डोनेट कर देगा, इसके पास अगर टोटल देखें तो सिक्स वाटर के मॉलिक्यूल थे, वाटर के एक मॉलिक्यूल में टू प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ पे वाटर के सिक्स मॉलिक्यूल है, सिक्स मॉलिक्यूल में ट्वेल्व प्रोटॉन्स है, ट्वेल्व में से एक प्रोटॉन वो डोनेट कर देगा किसी बेस को,
और जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करती है उसके ऊपर माइनस आता है, और इस ने एक प्रोटॉन डोनेट किया था, इस स्पीशी के ऊपर पहले से प्लस थ्री है, लेकिन अब इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, जितने प्रोटॉन की स्पीशी डोनेट करती है उतने उसके ऊपर माइनस आते हैं, तो इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया यानी इसके ऊपर एक माइनस वन आएगा, इसके ऊपर पहले से प्लस थ्री था और माइनस वन आ रहा है, यानी प्लस थ्री माइनस वन किसकी इक्वल होता है प्लस टू की, यानी यहां पे प्लस टू आ जाएगा क्योंकि इसने एक प्रोटॉन लूज किया, प्रोटॉन लूज करने से स्पीशी के ऊपर माइनस वन आता है और इसके ऊपर पहले से प्लस थ्री था, तो वो प्लस थ्री माइनस वन करेंगे तो आंसर आएगा प्लस टू, और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर एच फोर प्लस, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होते हैं इसलिए स्पीशी के ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारे पास एसिड है और इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस ये है, ये पार्ट ए था इसका प्रॉब्लम 10.1 का, इसके बाद हम करेंगे पार्ट बी।